मुंबई शहर आया है पहली बार बिग बॉस का घर, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या स्पेशल होगा, क्या जब मैं बोल रहा था तुम सुन नहीं रहे। बिग बॉस शो हमें कहां दिखा देता है, कलर्स टीवी पे, और कहां पर शूट होता है? आप में से कोई लोग कहेंगे कि लोनावला में, और कोई लोग कहेंगे मुंबई फिल्म सिटी में। जी हाँ, दोनों ही ठीक है। बिग बॉस 12 तक लोनावला में शूट किया जाता था। बिग बॉस का यानी बिग बॉस हाउस था लोनावला में, और इस बार बिग बॉस 13 में शिफ्ट कर दिया गया है गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई में। इससे पहले लोनावला से बाहर एक बार ही सूरत में बिग बॉस का सेट लगवाया गया था। तो इस बार सेट को मुंबई के अंदर यानी मुंबई गोरेगांव फिल्म सिटी में क्यों लाया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, किसने क्या बताया है, सभी बताऊंगा मैं। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रहस्य लाइव में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। आप लोग जो मुंबई या फिर लोनावला के बारे में उतना नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मुंबई से बहुत बाहर है लोनावला। मुंबई से यानी मुंबई सेंटर से लगभग 2.5 से 3 घंटा लग ही जाता है बाइक कार जाने में। तो किसी को अगर मुंबई से कोई पत्रकार या फिर सलमान खान या फिर किसी को भी जाना होता है मुंबई से, तो इतना दूर ट्रेवल करना होता है। तो इस बार सलमान खान ने कहा है कि लोनावला में जब शो होता था तो शो के लिए 800 से 850 लोग को वहाँ पर रहने का एकोमोडेशन, खाना पीना सब कुछ अरेंजमेंट करके रखना होता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुंबई से ट्रेवल करके वहाँ पर जाते थे। वहाँ के लोकल में से बहुत कम लोगों को लिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टेक्नीशियन या फिर ज़्यादा स्टाफ नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ के शांत वातावरण वहाँ पर जाने के लिए या फिर शूट करने के लिए मजबूर करता था प्रोडक्शन टीम को। इसके फायदे बहुत है, लोनावला का को बहुत फायदा हुआ करता था। जो 3 महीने का जो स्टे था, द स्टाफ देयर, यू नो, पूरा ताम झाम, 800-850 लोगों का रहना, खाना पीना, डेढ़ शिफ्ट, दैट यूज टू बी अ होल बिग बर्डन ऑन द चैनल। नाउ दैट वी आर हियर, इट्स क्लोज बाय एट मच लेस ऑफ द कॉस्ट, रिसोर्सेज भी ईजी हो जाएंगे। योर अप्रोच टू फिल्म सिटी, इफ यू मच फास्टर देन गोइंग टू Lonavla, and that's easy also for all the other stars. More, they don't have to drive all the way to Lonavla. और अब जब मुंबई गोरेगांव फिल्म सिटी में आ जाता है बिग बॉस का सेट, तो यहाँ पर फिल्म सिटी में ही बहुत सारे तकनीकी सुविधा मिलता है, साथ साथ में बहुत सारी तकनीकी आर्टिस्ट से लेकर वर्कर भी इजीली मिल जाता है। और सबसे बड़े बात जो है, यहाँ पर किसी को भी या फिर बहुत कम लोगों को ही रहना होगा। हर दिन 3 घंटे का ट्रैवल नहीं करना होता है किसी को, और 3 घंटा ट्रैवल जाने में और आने में यानी 6 घंटा यहाँ पर ही चला जाता था, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर ही रह लेते थे। तो यहाँ पर कोई भी आधा घंटा या 1 घंटे में पहुँच जाएगा, तो डिस्टेंस भी उसका कम हो जाएगा, और यहाँ पर रेगुलेटरी भी मेंटेन होगा, और जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। इसके साथ साथ कोई भी पत्रकार या फिर सलमान खान या फिर कोई भी सेलिब्रिटी जो यहाँ पर प्रमोट करने के लिए आते हैं या फिर और किसी का भी आना होगा, तो इजीली आ सकते हैं। मुंबई का जो ट्रैफिक जाम है वो इजीली अवॉइड करके ही आ सकते हैं। 3-3.5 घंटा नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आ जाएगा। तो इसी के लिए ही बिग बॉस को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का।